आपको मालूम है पंजाब नेशनल बैंक 123 वर्ष पुराना बैंक है, जिसकी जन्म स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय स्वतंत्र सेनानी के द्वारा किया गया था। और पिछले 123 वर्षों में हम कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं, जिसके अंदर पार्टीशन के समय आने वाली समस्याओं को भी बैंक ने बखूबी निपटा था। और आज हम दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में यहां पर उपस्थित हैं। मीडिया में आप लोगों को मालूम है कि रिसेंट इंसिडेंट्स जो फ्रॉड है, इसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हम इस बारे में आपसे एक सहयोग चाहते हैं। आपको मालूम है कि जो बैंक इस समय अपनी पूरी क्षमता से गलत काम करने वाले लोगों को पे एक्शन लेने के लिए काम कर रहा है, यह जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। पीएनबी अपनी क्लीन बैंकिंग के लिए कमिटेड है, शायद इसीलिए वी आर द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट दिस टू द वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे ही हमें इस घटना का पता चला, हमने उसकी जांच करी, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड इट, एंड इवन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट अवेलेबल सच इंसिडेंट्स वेयर वी कुड वेरीफाई दीज फैक्ट्स, वी हैव गॉन टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू बुक द कल्प्रिट्स एंड टेक स्ट्रांग लीगल एक्शन। यू आर फुली अवेयर दैट वी हैव केप्ट ऑल द मेंबर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स, ऑल द मेंबर बैंकिंग सेक्टर, जो भी हमारे लेंडर्स हैं, हमने उन सबको इसमें इन्फॉर्म करके रखा है, उनको एडवाइजरी भी दी है। सबसे पहले हमने ही इसको डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंदर सेबी को भी बताया है। तो ये सब बातें हमारी क्लीन बैंकिंग का जो एजेंडा है, जो भारत सरकार ने हमें एक दायित्व सौंपा है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव बैंकिंग, उसके अंतर्गत हम कार्यवाही कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जहां पर भी कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली एक्शन उसके ऊपर लेके, चाहे वो कस्टमर हो चाहे हमारा स्टाफ हो, इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे। जहां तक बैंक का प्रश्न है, हमारे बैंक के पास आकार भी है और क्षमताएं भी हैं इस समस्या से निपटने की। द बैंक हैज द कैपेबिलिटीज एंड द कैपेसिटीज टू कम आउट दिस सिचुएशन। आपने आज के मीडिया कवरेज में देखा होगा कि हमारे द्वारा जो एफआईआर लॉन्च की गई है और जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है डिफरेंट एजेंसीज को, उसके अंतर्गत आज भी जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के रेट की कार्रवाई की गई है, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को सीज किया जा रहा है और बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात में सहयोग आप सबसे बहुत ज्यादा चाहूंगा, आपको भी लग रहा होगा कि हमने शायद मीडिया के सामने आने में देर क्यों करी। हम नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और हम ज्यादा बात इस बारे में कह के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं उसको इफेक्ट करें और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्य में बाधा बने। इसलिए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज गिव अस सम ब्रीदिंग टाइम, कि हम जो एक्शन प्लान हमने कर रखा है डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से कल्प्रिट्स को बुक्स में लाने का, बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, वो काम हम बखूबी कर सकें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे बैंक ने सिर्फ कस्टमर पे ही शिकायत नहीं करी है, जो हमारा स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है,
जो स्टाफ मेंबर मिस्टर शेट्टी और जो दूसरे क्लर्क उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों को भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट का पार्ट बनाया है, और जिनमें सुपरवाइजरी लेप्सेस में कमी रखी है उन स्टाफ पे भी हमने काफी एक्शंस लिए हैं। कुछ एक को हमने सस्पेंड कर दिया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये बात मैं आपको दोबारा से बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे, और ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि हमने इस चीज को सरफेस पे लेके आए। अगर कोई कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करके दूर किया जाए, और 2011 से जो बीमारी चल रही थी उसके कैंसर की सर्जरी के रूप में हमने इसे ठीक किया है, और पीएनबी इज कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड फॉर क्लीन बैंकिंग। वी विल कम आउट विद द प्रेजेंट सिचुएशन। वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द अदर बैंक्स हु आर ए पार्टी टू इट। वी विल रिजॉल्व इट। वी विल ऑनर ऑल अवर बोनाफाइड कमिटमेंट्स। हम अपने सभी बोनाफाइड कमिटमेंट्स का ऑनर करेंगे, और हमारे जितने भी बैंकर्स हैं और साथी हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो जो हमारे कमिटमेंट्स हैं दैट वी विल बी एबल टू ऑनर। ओनली थिंग वी वुड लाइक द एनफोर्समेंट एजेंसीज टू डू देयर जॉब टू कॉम्प्लिकेट टू इन्वेस्टिगेट।